इन्होंने जो कहा है ये बच्चियों के साथ, क्योंकि आपको पता है इस टाइम बीएमसी जो है यूनिवर्सिटी के हवाले, वहाँ पे वाइस चांसलर जो कर रहा है, हमसे कोई नहीं पूछा जा रहा है। मैंने 2-3 दफ़ा उनसे बात भी की है, मीटिंग भी की है। मैंने उनको यही कहा है कि बच्चियाँ हैं ये इस टाइम बलूचिस्तान, पंजाब और दूसरे सूबों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहता है ये बच्चों का सिर्फ जो पढ़ने वाले जो हैं ये डॉक्टर हैं। मैंने कहा ये हाउस जॉब वाले डॉक्टर हैं, ये भी बलूचिस्तान के कहीं कोई तुर्बत से आया हुआ है, कहीं दूर से, इनको भी तो हॉस्टल का कमरे चाहिए। तो उन्होंने यही कहा है। अभी रात भी बच्चियाँ गवर्नर हाउस के सामने थे, मैंने इनसे बात किया है। हमारा कोशिश यही है, फिर हुकूमती अरकान गए, हमारे लोग गए हैं, उन्होंने एक दफ़ा मसला तो हल कराया। आज भी मैंने सेक्रेटरी साहब कहा कि आप जाएँ इनसे मीटिंग करें, और इस हवाले से हमारी कोशिश यही है, इंशाल्लाह हम इनका मसला हल कराएंगे। अदरवाइज़ नहीं होगा तो हम इसके जो हिजब इख्तलाफ वाले कह रहे हैं कि कमेटी बनाएंगे, मैं इस कमेटी के भी हक में हूँ, क्योंकि ये बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान की जो बच्चियाँ हैं उनको सिर्फ शाबाश है कि वो दूर दराज से यहाँ पे पढ़ने के लिए आती हैं, और यहाँ पे इनके पास ना कोई कमरा है ना क्या है। अभी वीसी साहब से भी हमने बार बार बात की है, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज भी मैंने सेक्रेटरी साहब को यही कहा है कि आप जाएँ, क्योंकि ये इस तरह नहीं होता है। वो कहता है कि हाउस जॉब वालों के लिए अलहदा होना चाहिए, मैंने कहा कि होना चाहिए, अगर पहले से एक चीज़ चल रहा है आप उसी को उसी के मुताबिक चलें। और इसमें हम कोशिश भी करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में इसके लिए हम ले आएँ और इसके लिए एक कमेटी बनाएं। 2-3 दिन में हमारे पास जो रिपोर्ट आएगा हम उसको असम्बली में पेश करेंगे, फिर उसके बाद ही हम लाए अमल रहा। जी शुक्रिया।